नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रुझान साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर में है तो ये वीडियो आपको इस बात पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाएगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस और डिसीजंस को कैसे शेप देता है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करने वाली हिडन फोर्सेस का पता लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। हम जानेंगे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार को कैसे रूल करता है। क्या आपको पता है हम डिसीजन कैसे लेते हैं? क्या हम सभी फैक्ट्स को सामने रखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड के सजेशन से डिसीजन लेते हैं? कॉन्शियस इंसान बनकर फैक्ट्स पर डिसीजन लेने की बजाय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस हमें अजीब और फैक्टलेस चीजें करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इस वीडियो में 13 ऐसे विचार हैं जिन्हें समझकर आप सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे। वॉन कई प्रिंसिपल्स ने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न टेक्निक ने आखिरकार इसकी शालीनता को सबको समझा दिया। सदियों से फिलोसफर्स ने सबकॉन्शियस माइंड के नेचर बारे में अंदाजा लगाया है। एग्जाम्पल के लिए 70 के दशक में इमैनुअल कांट ने बताया था कि हमारा माइंड ऑब्जेक्टिव रियलिटीज को एक्सपीरियंस नहीं करता है, बल्कि यह अपनी खुद की रियलिटी बनाता है। नेगेटिव अट्रैक्शन और पेनफुल मेमोरीज के कारण सबकॉन्शियस माइंड अक्सर एबनॉर्मल और अनहेल्थी हो जाता है। फिर 1990 में सिगमुंड फ्रॉयड ने सबकॉन्शियस माइंड की एक एक्सप्लेनेशन की जो बहुत प्रसिद्ध हुई। फ्रॉयड ने कहा कि नेगेटिव अट्रैक्शंस और पेनफुल मेमोरीज के कारण सबकॉन्शियस माइंड अक्सर एबनॉर्मल और अनहेल्थी हो जाता है। हालांकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट्स को अनलॉक करना इतना मुश्किल था, इसलिए बाद में रिसर्चेस दूसरे एरियाज में जाने लगे और कई साइंटिस्ट्स ने यह तर्क देना शुरू किया कि इंसान जानवरों की तरह थे, जिनमें कंप्यूटर्स की तरह कॉम्प्लेक्स लेकिन समझने लायक मशीन की तरह दिमाग था। हालांकि 1980 के दशक तक नए रिसर्च ने सबकॉन्शियस में हमारे इंटरेस्ट को फिर से जगा दिया और साथ ही नई टेक्नोलॉजी ने आखिरकार हमें दिमाग के बनने और काम करने के प्रोसेस को समझने में कैपेबल बना दिया। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम की टेक्नोलॉजी ने न्यूरोसाइंटिस्ट्स को 3D प्रिसिजन के साथ दिमाग के ब्लड फ्लो में बदलाव और स्ट्रक्चर को स्कैन करने में मदद की। इस इंफॉर्मेशन से हमें सबकॉन्शियस को समझने में काफी मदद मिली है। इससे हम दिमाग की 3 इंटरडिपेंडेंट लेयर्स के बारे में जानते हैं। सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेयर रेप्टाइल है, जो सांस लेने, खाना खाने और लड़ाई या फ्लाइंग इंस्टिंक्ट जैसे कामों को करने के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरी लेयर है। इस हिस्से पर सोफिस्टिकेटेड पुरानी मैमिलियन या लिम्बिक सिस्टम होता है, जो सबकॉन्शियस सोशल परसेप्शन की आप सोसाइटी को लेकर कैसा सोचते और बिहेव करते हैं इसके लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर नियोकॉर्टेक्स है, जो गोल से जुड़े एक्शंस और कॉन्शियस थॉट को बढ़ावा देता है। ये देखने, उंगलियों और चेहरे के भावों को एक्सप्रेस करने से भी जुड़ा है। हम इंसानों में यह बहुत ज्यादा पाया जाता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड हमारी सेंसेस से रॉ डेटा कलेक्ट करता है और इसे हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए समराइजेस करता है। अगर आपको एक तेज अचानक से धमाका सुनाई देता है तो संभावना है कि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी खतरे को महसूस करता है तो यह आपको खतरे से बचाने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। एनवायरनमेंट की यह सबकॉन्शियस अवेयरनेस हमारे पूर्वजों में कॉन्शियस अवेयरनेस से बहुत पहले डेवलप हुई थी। इसका प्राइमरी गोल हमें जिंदा रखना, पॉसिबल खतरों से बचना और खाने और साथियों की तलाश करना था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस डेटा को हमारी सभी सेंसेस से इकट्ठा करता है और इसका इस्तेमाल हमें सेफ रखने के लिए करता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल लाइट है। आंखों से मिली लाइट का इस्तेमाल करके जो भी हम देखते हैं उसको दियग के एक छोटे से हिस्से में पहुंचाया और प्रोसेस किया जाता है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन जब लोगों का विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है
तब भी सबकॉन्शियस माइंड चीजों को छूकर पहचान करने में हमारी मदद करता है। इसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान जिसे स्ट्रोक हुआ था और वह अंधा हो गया था, उसके दिमाग के दोनों विजुअल हेमिस्फीयर्स या देखने वाले सेल्स डैमेज हो गए थे, फिर भी उसकी आंखों में अभी भी नॉर्मली रोशनी आ रही थी और उसका सबकॉन्सियस माइंड अभी भी इसका इस्तेमाल करने में केपेबल था। रिसर्चर्स ने पाया कि वह आदमी अंदाजा लगा सकता है कि उसे दिखाया गया चेहरा खुश था या गुस्से में, और वह बिना किसी परेशानी के यह कर सकता था। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेंसेस से जो डिटेल्स रिसीव करता है वह इनकम्प्लीट है। इसे इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व होता है। सबकॉन्शियस माइंड सभी रॉ इन्फॉर्मेशन को लेता है और उन्हें फिल्टर करता है, फिर कॉन्शियस माइंड उनके बेस पर डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारी दोनों आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां सेल्स आंख को माइंड से जोड़ती है। हमारी आंखें भी हर सेकंड कई बार अनजाने में इधर उधर झटके मारती हैं, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, और कभी फोकस के साथ तो कभी थोड़ी कम फोकस के साथ। इस तरह आप आंखों में इरेग्युलैरिटीज को नोटिस करेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड देखी गई चीजों की एक क्लियर इमेज बनाने के लिए दोनों आंखों से उसे दी गई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पुरानी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस से ऑटोमेटिकली सोचकर कॉन्शियसली डिसीजन लेता है। थ्री बॉडी लैंग्वेज। हमें अनजाने में दूसरों के बिहेवियर और ओपिनियन को एक्सप्लेन करने की परमिशन देती है। हमारी बॉडी हमारे वर्ड्स की तरह ही एक्सप्रेसिव हैं। बॉडी लैंग्वेज के बिना हमें दूसरे इंसानों के इरादों को समझने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, हम में से हर एक इंसान पॉसिबल खतरों, दोस्ती और रिलेशन जैसी चीजों का इशारा करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने पूर्वजों से बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट विरासत में मिला है और यह इंसानों के लिए भी उतना ही नेचुरल और जरूरी है जितना कि दूसरे जीवों के लिए। एग्जाम्पल के लिए, हम अपने भाइयों और बहनों के साथ शांति से रहना पसंद करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से इसी तरह के सिग्नल्स देते हैं, जबकि दूसरों के साथ डिफेंसिव पोजिशन में रहते हैं। इसी तरह अपने से ज्यादा पावरफुल बंदरों के हमलों से बचने के लिए कमजोर बंदर अपने दांत खोल देते हैं, जबकि चिंपांजी मुस्कुराकर यानी दांत दिखाकर यह सिग्नल देते हैं कि वे दूसरों के लिए खतरा नहीं है। मुस्कान भी इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल है और यह नकली नहीं बनाई जा सकती। मुस्कुराने के लिए हमें मुंह के दोनों तरफ की मसल्स और आंखों के आसपास के हिस्से को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, जो किसी पर्पस से ही होती है। इसे हम जानबूझकर इधर उधर नहीं कर सकते। न सिर्फ इससे असली या नकली हंसी का पता चलता है, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशंस असली हंसी के दौरान नेचुरल होते हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स डर या हेट जैसे एक्सप्रेशंस की पहचान इसी तरह से करती है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज सोशल सिग्नल्स को एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं है। इसके जरिए हम लोगों से अपनी उम्मीदों को कम्युनिकेट करते हैं और बिना किसी इरादे के उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। चार, हमारी आवाज में छोटा सा बदलाव दूसरों के सामने हमारे अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करता है और हमारे कैरेक्टर के नेचर को शो करता है। बहुत से लोग एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन यह कहते हुए करते हैं कि आदमी डोमिनेंस और सेक्स चाहते हैं, जबकि औरतें एक वफादार साथी और बच्चे चाहती हैं। इसका रिजल्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली हमारी आवाज की टोन और पिच से दिखता है। दरअसल सेक्सुअल सक्सेस के लिए आदमी और औरत अनजाने में अपनी आवाज को एडजस्ट करते हैं। एक रिसर्च में आदमियों के एक ग्रुप ने एक औरतें के साथ डेट के लिए कंपटीशन किया। रिजल्ट्स से पता चला कि जब किसी आदमी से औरत ने बात करना शुरू की तो उसने अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल महसूस किया। इस तरह आदमी ने औरत से और आपस में बात करते हुए अपनी आवाज की पिच को कम और ज्यादा किया। दूसरे रिजल्ट से पता चला कि औरतों को ओव्यूलेशन के दौरान कम पिच वाली आवाजें अच्छी लगती हैं। उस समय औरतों की आवाजें भी स्मूथ हो जाती हैं, जो इस प्रोसेस के दौरान आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं। अब आप सोच रहे हो कि औरतों की कम पिच वाली आवाजों की तरफ आदमी सबकॉन्शियसली क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका जवाब टेस्टोस्टेरोन सिस्टम से जुड़ा है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है
यह जिस आदमी में ज्यादा होता है उसके बच्चे पैदा करने की संभावना ज्यादा होती है, और ऐसे आदमी आमतौर पर औरतों की कम पिच वाली आवाज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनसे भी कम पिच वाली आवाज में बात करना पसंद करते हैं, जिससे औरतें भी उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन और हाई पिच वाले आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करती हैं। यह तब पता चला जब एक साइकोलॉजिस्ट टैंजेनियन जंगल के उन आदिवासी ग्रुप से मिले जिनके पास गर्भ निरोधक के कोई तरीके नहीं थे। उन्होंने पाया कि हाई टेस्टोस्टेरोन वाले आदमियों ने ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। ये शो करता है कि औरतें कम आवाज वाले आदमियों का फेवर क्यों लेती हैं। लोग दूसरों की आवाज के बेस पर भी उनके कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। इस पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट्स ने वोकल रिकॉर्डिंग्स ली और उन्हें मिलाया ताकि इसके पीछे के मतलब के बिना आवाज की क्वालिटी या पिच को सुन सकें। उन्होंने आवाज की स्पीड और पिच को भी एडजस्ट किया और पाया कि ऊंची आवाजें ज्यादा बेईमान और चिंतित थीं और कम ट्रस्टवर्दी थीं। धीमी आवाजें जेन्युइन और इंस्पायरिंग लगती थीं, लेकिन ज्यादा एफर्टलेस लग रही भी, जबकि ऐसी आवाजें जो कभी तेज और कभी सॉफ्ट थीं, उन्हें मोटिवेटेड, नॉलेजेबल और अट्रैक्ट करने वाली माना गया। एग्जाम्पल के लिए, एक यंग लीडर के रूप में मार्गरेट थैचर अपनी पार्टी को जिताने के लिए पब्लिक के बीच जाकर अपनी स्पीच से पब्लिक का साथ हासिल करके पार्टी को ऊपर उठना चाहती थीं, लेकिन उसके साथ के मेंबर्स ने उनकी आवाज पर फीडबैक देते हुए बताया कि उनकी ऊंची आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड है। उन्होंने अपनी पिच को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और एंड में उनकी नई पावरफुल आवाज ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद की। मार्गरेट हिल्डा थैचर 20वीं शताब्दी में सबसे लंबे समय 1979-1990 के लिए यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर रही थीं और एकमात्र महिला थी जिन्होंने यह जिम्मेदारी इतने लंबे समय तक अच्छी तरह संभाली थी। 5, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी यादों के गैप को भर देता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है। हम अपने दिमाग की मेमोरी पावर को कितना भी पसंद करें, लेकिन हमारा दिमाग वीडियो कैमरा नहीं है जो हमारे बाद के रिकॉल के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के लिए प्रेशर बनने लगती है। इसलिए दिमाग हर बात को याद रखने की बजाय हमारी मेमोरीज को हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस जोड़ देता है, जिससे वो एक्सपीरियंस फील होते ही उससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद आने लगती हैं। इंपॉर्टेंट मेमोरीज में दोस्त और दुश्मन, शिकार और शिकारी शामिल हैं, कि वे कहां पाए जाते हैं और अपने घर कैसे पहुंचा जाए। इसे एक बार में आसानी से याद करने की काबिलियत हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों से मिली है। शायद आप सोच रहे होंगे कि याद रखने का यह तरीका हमें चीजों को समझने और बेहतर करने में मदद करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ की हर मेमोरी को डिटेल में याद रखें तो यह एक बड़ी मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, सोलोमोन शेरेशेव्स्की नाम का एक आदमी अपनी अमेजिंग मेमोरी के लिए प्रसिद्ध था। वह बोले गए शब्दों की एग्जैक्ट सीरीज को याद कर सकता था, लेकिन कई बार उसे याद किए गए सेंटेंसेस का मतलब समझ में नहीं आता था। इसलिए उन्होंने याद रखने के साथ ही उनके मतलब को समझने के लिए स्पीकर के बोले गए वर्ड्स को याद रखने के साथ ही साथ हर एक के कई फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस किया। इसलिए अगली बार उन्हें जाने पहचाने चेहरों से जो बातें सुनी थीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को याद करके बातों को याद करने और स्पीकर को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हम आम तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस के छोटे छोटे हिस्सों को याद करते हैं, एक जैसे एक्सपीरियंसेस को कहानियों से जोड़कर सब कुछ एक साथ रखने मदद मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही करता है। ये जिंदगी से जुड़ी अलग अलग यादों और उन मोमेंट्स की कहानियां बनाता है और उन्हें उस मोमेंट से जुड़े किसी एक्सपीरियंस से जोड़कर माइंड में स्टोर कर लेता है। इसीलिए दोबारा उस एक्सपीरियंस को याद करने से ही पूरी कहानी दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन कभी कभी यह हमें गलतियां करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। ये रिसर्च से पता चला है कि 25% गवाह एक लाइनअप में से किसी गलत सस्पेक्ट को चुनते हैं, उनमें से 75% बेकसूर होते हैं।
ऐसे ही एक मामले में एक रेप विक्टिम ने सस्पेक्ट्स में से उस आदमी को चुन लिया जिसे वह रेपिस्ट मानती थी और उसे इस क्राइम के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन असली रेपिस्ट लाइनअप में नहीं था। इस मामले की अच्छे से जांच करते हुए डीएनए चेकअप के दौरान पता चला कि असली रेपिस्ट वो नहीं बल्कि दूसरा आदमी था। विक्टिम ने दोनों आदमियों को देखने के बाद भी सबकॉन्शियस में बनी उस रेपिस्ट की इमेज को ठीक से पहचानने की बजाय रेपिस्ट के चेहरे को गलत तरीके से याद किया था। एक साउथ की मूवी है साईं, पल्लवी की फिल्म का नाम याद नहीं है, आप वो फिल्म देखेंगे तो समझ पाएंगे। 6 हमारे इमोशंस सबकॉन्शियस बायसेस और सेंसरी डेटा से जेनरेट होते हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उनकी जड़ों को अनकवर नहीं कर सकता है। मानव दिमाग हमारी फीलिंग्स को समझने में मदद करने में पूरी तरह से केपेबल नहीं है। ये एवोल्यूशन की लेगेसी है, हमारे पूर्वजों की मेन इंस्पिरेशन जिंदा रहना और ब्रीड करना या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, न कि खुद को समझना, इसलिए उन्होंने इसमें अपना ज्यादा समय लगाया नहीं, जिससे हमारे लिए अपने इमोशंस को पहचानना और उनसे डील करना और मुश्किल हो गया। ये मुश्किल इस फैक्ट से आती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती हैं। इमोशंस इन तरीकों से काम करते हैं, आसपास का माहौल हमारी सेंसेस को डाटा प्रदान करता है जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फिजिकल रिस्पॉन्स करता है। ये वह रिस्पॉन्स है जिसे हम इमोशन के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि वे हमारे सबकॉन्शियस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से समझने और पहचानने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च में एक कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना था तो इसके लिए मेल और फीमेल को हायर किया गया। रिसर्च में पता चला कि मेल के मुकाबले जिन मेल्स को एक अट्रैक्टिव फीमेल ने एडवर्टाइजमेंट किया था, उन्हें बाद में कॉल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ी हुई हार्ट बीट और आसपास की अवेयरनेस ने मिलकर एक इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हुआ जिसने उनके कॉन्शियस माइंड में चुलबुलापन का रूप ले लिया। फिर भी हमारी फीलिंग्स को समझने की यह डिसेबिलिटी हमें कॉन्फिडेंस से यह सोचने से नहीं रोकती है कि हम उन्हें शेयर ना करें। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किसी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, तो हम डिटेल में बताने लगते हैं, लेकिन वे अक्सर हमारी सबकॉन्शियस फीलिंग्स के सही सिग्नल्स नहीं होते हैं। एक स्टडी में मेल कंपेटिटर्स को दो औरतों की तस्वीरें दी गईं और पूछा गया कि उन्हें कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उन्होंने एक तस्वीर चुन ली, उसके बाद कंपेटिटर्स को फिर से वही तस्वीरें दी गईं, लेकिन इस बार चेहरा नीचे कर दिया गया। उन्हें फिर से कार्ड देखने और ये समझाने के लिए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक फोटो को ही क्यों पसंद किया। इस तरह कई अलग अलग औरतों की अलग अलग तस्वीरों के साथ यह स्टडी चलती रही। कंपेटिटर्स का सीधा जवाब था कि अट्रैक्टिव लग रही हैं, लेकिन वह कोई भी सबकॉन्शियस में चल रही सही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मेल कंपेटिटर्स को नहीं पता था कि कंपैरिजंस के लिए रिसर्चर्स ने तस्वीरों को बदल दिया था, लेकिन अब भी उनके जवाब शुरुआती जवाबों की तरह ही थे। इस तरह हमारी भावनाएं सबकॉन्शियस बायसेस और आसपास के माहौल से मिले सेंसरी डेटा से जनरेट होती हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार इसके रीजंस को नहीं समझ पाता। 7, जब हम पुराने सोच को डिफेंड करते हैं तो हम डिसीजंस लेने में वन साइडेड होते हैं। हमारा दिमाग दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। हमारे पास हमारा कॉन्शियस माइंड है जो एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, सबूतों को तौलता है और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तलाश करता है। फिर सबकॉन्शियस दिमाग है जो एक लॉयर की तरह काम करता है, पहले डिसीजन लेता है, फिर उसे सी प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारा लॉयर दिमाग दो हिस्सों में से ज्यादा मजबूत है। यह हमें उन कंक्लूशंस का सपोर्ट करने की तरफ ले जाता है जो किसी अल्टरनेटिव की तलाश करने के बजाय हमारे बिलीफ्स को मजबूत बनाते रहते हैं। साथ ही यह हमें नजरिए के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने और अनफेवरेबल एविडेंस को अनदेखा करने के लिए इंस्पायर करता है। हम सब ऐसा करते हैं, यहां तक कि साइंटिस्ट्स भी इस तरह के प्रेजुडिसेस या पुराने बिलीफ्स से बचे हुए नहीं हैं। वे भी कभी कभी लॉयर कॉन्शियस या सबकॉन्शियस दिमाग से तरह सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
1950 और 1960 के दशक के शुरुआत में साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप का मानना था कि यूनिवर्स बिना किसी शुरुआत या एंड के एक स्टैटिक स्टेट में मौजूद है, जबकि दूसरे ग्रुप का मानना था कि यह एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ था। जब 1964 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने बड़े धमाके के सबूत की खोज की और यह साबित हुआ कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई, तो कुछ स्टैटिक स्टेट के सपोर्टर्स 30 साल बाद भी बिना कोई ठोस सबूत होने के बावजूद अपने बिलीव्स पर कायम रहे। प्रीडिफाइंड ओपिनियंस या कंडीशंस। इस बात से भी पता चलती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे समझते हैं। यहां तक कि जब अलग अलग लोगों को एक जैसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब भी उनके पिछले बिलीव्स इन्फ्लुएंस करते हैं और वो अलग अलग कंक्लूजन्स निकालते हैं। 8, हम सभी सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और यह हमें अपनी कैपेबिलिटीज को कम आंकने की तरफ ले जाता है। 1959 में 3 मेंटली इल लोगों को एक साथ एक ही कमरे में रखा गया था जो खुद को जीसस मानते थे। सब यह जानने चाहते थे कि यह उनकी सेल्फ परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। जब उन्हें कुछ दिनों बाद बाहर लाया गया तो एक ने अपना फेथ छोड़ दिया और अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लिया। एक ने दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाया, जबकि तीसरा अब भी पूरी तरह से अपने आप को जीसस ही मान रहा था। इस तरह सबूत के बावजूद 3 में से 2 ने अपनी इमेजिनेशन को बरकरार रखा, वो अब भी अपने अंदर खुद को जीसस ही मान रहे थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे बताए गए एग्जाम्पल की तरह हम भी अपने आप को अपने तरीके से स्पेशल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि दूसरे रिस्पेक्ट करें। यह अपने आप को एक जेनरस सेल्फ इमेज में एक्सप्रेस करने की चाहत से होता है। लोग ऐसा अक्सर तब करते हैं जब उनके व्यूज आम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि एक हाई स्कूल सीनियर्स में से 75% स्टूडेंट्स ने खुद को एवरेज या अबव एवरेज की रेटिंग दी, जबकि 25% ने खुद को टॉप परफॉर्मर माना, हालांकि उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही टॉपर बन पाए थे। इस तरह के खुद के बनाए हुए इल्यूजन्स आने वाली लाइफ में भी बने रहते हैं, जो लोगों को कई बार रियलिटी से दूर ले जाते हैं। इसलिए एक स्टडी से पता चला कि कॉलेज के 94% प्रोफेसर्स अपने काम को अबव एवरेज मानते हैं, जबकि वो एवरेज पढ़ाते हैं। दुर्भाग्यवश, हमारा खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया रियलिटी से अलग होता है। हमें लगता है कि चीजें रियलिटी में जैसे हो रही हैं, हम उनसे बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। इस तरह कई जगह उम्मीद से ज्यादा आशावादी होने से रिजल्ट्स पर फर्क पड़ता है। अक्सर इस वजह से नई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स बजट से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लानर्स जरूरी समय से कम समय में उसे पूरा करने का गोल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, US जनरल अकाउंटिंग ऑफिस ने अंदाजा लगाया कि खरीदी गई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सिर्फ 8% समय लिमिट से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता था। ये वास्तव में हमारी गलती नहीं है। दरअसल डेवलपमेंट ने हमेशा से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों का फेवर लिया और उन्होंने स्पेशल बनकर रिस्पेक्ट लेने की डिमांड की। ये एक स्पीशीज के रूप में हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बिना हम एक फिक्स सोसाइटी बने रहते, कभी ग्रोथ के लिए कोशिश ही नहीं करते और शायद अभी भी पत्थर को औजारों में बदल रहे होते। तो सीख यह है कि अपने आप को स्पेशल मानकर सीखना बंद न करें। 9, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सोशेबल होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक्सक्लूजन के रिजल्ट्स में बीमारी शामिल है। इससे पहले कि हम बात कर सकें या चल भी सकें, हम दोस्ती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दुश्मनी से पीछे हट जाते हैं। बच्चे उन लोगों के चेहरों को छूना पसंद करते हैं जिन्हें वे दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे उन्हें दूर भगाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सोशेबल होना, लोगों के साथ मिलना जुलना और दोस्ती करना हमारे नेचर में है, और ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए हमारा दिमाग हार्डवेयर से भरा है। इसमें नियोकॉर्टेक्स नाम का बॉडी पार्ट हमारी मदद करता है। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का सबसे नया हिस्सा है, जो हमें लोगों के बीच रिलेशंस को समझने में मदद करता है। हम सोसाइटी में इन स्किल्स का इस्तेमाल करने में कैपेबल हैं, क्योंकि हमारे पास वह है जिसे साइटिस्ट थियोरी ऑफ माइंड कहते हैं।
सिर्फ इंसानों के पास ये समझने की अच्छी काबिलियत है कि हर कोई जो उनके साथ काम कर रहा है वो कौन है, वे सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हर इंसान एक दूसरे से क्या चाहता है। रिसर्चर्स से पता चला है कि दिमाग में नियोकॉर्टेक्स रेशियो और स्पाइसीज के सोशल ग्रुप्स के साइज के बीच सीधा रिलेशन है। इसलिए गोरिलास 10 के समूह में एक साथ रहते हैं, मकाक बंदर की प्रजाति पालिस के समूह में, और इंसानों का एवरेज समूह 150 लोगों से मिलकर बनता है। इसमें सिर्फ करीबी दोस्त नहीं बल्कि परिवार और रिलेटिव्स भी शामिल हैं, और वे लोग भी जिनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सोशियबल नहीं रहे या हमें अकेले छोड़ दिए जाए? एक्सक्लूजन या अकेलेपन से न सिर्फ सोसाइटी से अलग होने की परेशान करने वाली फीलिंग होती है बल्कि फिजिकली कमजोरी भी फील होती है। शारीरिक दर्द हमें दो तरफा अटैक से हिट करता है। यह हमारी सेंसेस और हमारी फीलिंग्स दोनों को उथल पुथल करने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग का वह हिस्सा जिससे यह इमोशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है, द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह वही एरिया है जहां सोशल पेन होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एक्सक्लूजन या अकेलेपन की फीलिंग्स को कम करने के लिए पेन किलर दवा ले सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी साबित हो चुका है कि सोशली एक्सक्लूजन या अकेलेपन से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और लाइफ की उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्थी रहने के लिए, सोशियबल बनने के लिए पुश करता है। 10 हमारा सोशल बिहेवियर दिमाग और सबकॉन्शियस आदतों के केमिकल्स से निर्धारित डिटर्मिन होता है। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स लंबे समय से यह साबित करते आ रहे हैं कि इंसानी रूप में हम बहुत यूनिक हैं। कोई दूसरी प्रजाति हमारी तरह मुश्किलों को नहीं समझ सकती, फिर भी हम उतनी रिमार्केबल प्रजाति नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के कई एरियाज नेचर में पाए जाने वाले एक जैसे प्रिंसिपल्स से चलते हैं। इंसान और जानवर दोनों का बिहेवियर माइंड के केमिकल्स से चलता है। एग्जाम्पल के लिए, दिमाग में कुछ केमिकल्स के निकलने से हमें भरोसा करने की पावर मिलती है, फिर भी बहुत प्रजातियां और इंसान कभी भरोसा और प्यार करते हैं तो कभी नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, एक मादा भेड़ आम तौर पर कई बार तब अपने बच्चे पर गुस्सा करने लगती है जब वो दूध पीना चाहता है, सिर्फ जब वह पैदा करते समय ही उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन पैदा के बाद वह अपने पुराने गुस्से वाले रूप में वापस आ जाती है। यह सब उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम के प्रोटीन केमिकल्स के शुरू और बंद होने के कारण होता है, जिसे फीमेल्स चाइल्ड बर्थ के दौरान भी महसूस करती हैं। इंसान सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान और यहां तक कि गले लगने पर भी ऑक्सीटोसिन पैदा करते हैं। यह एक तरह का हैप्पी हार्मोन है जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। यह सिर्फ केमिकल्स नहीं है जो यह डिसाइड करे कि हम कैसे बातचीत करें और कॉन्शियसली बिहेवियर करें, बल्कि हम भी जानवरों की तरह बिहेवियर के सब कॉन्शियस पैटर्न को फॉलो करते हैं। रिसर्चर्स यह पता लगाना चाहते थे कि नॉर्मल कंडीशंस में लोग कितने आज्ञाकारी होते हैं। इसके लिए एक लाइब्रेरी में एक रिसर्चर ने लोगों से उनके पास मौजूद फोटोकॉपियर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि क्या वे उनके सामने रखी टाइपिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ज्यादा बात किए 40% लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जब रिसर्चर ने दूसरे लोगों को एक कारण देकर मशीन का इस्तेमाल करने को पूछा तो मना करने का रेट 6% तक गिर गया। इस तरह हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सबकॉन्शियस रूल्स के एक सेट को फॉलो करते हैं। जब हमसे नॉर्मली कोई बातचीत की जाती है तो हम सामने वाले की बातचीत के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और जब तक कोई कारण न दिया जाए हम अग्री नहीं करते। इस तरह अपनी लाइफ के पूरे मालिक होने के बजाय हमारा मैक्सिमम बिहेवियर उन फैक्टर्स से डिटरमिन होता है जिन पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। 11 लोग स्टीरियोटाइप्स और लेबल पर भरोसा करते हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप निष्पक्ष और ओपन माइंडेड हैं? हम में से कई लोग इन क्वालिटीज पर गर्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी थिंकिंग के नीचे छुपे हुए कुछ अनक्लियर धारणा या पहले के बनाए हुए बिलीफ्स होते हैं। इन धारणा में से एक ये है कि हम किसी के बाहरी रूप के बेस पर उसके कैरेक्टर के बारे में राय कैसे बनाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि अगर लोग बिना दाढ़ी मूंछ कटवाए और रिंकल्ड या गंदे कपड़ों में एक दुकानदार को देखते हैं और दूसरे को टाई और प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उनके अनुसार जज करते हैं। स्टडी में रिसर्चर्स को पता चला कि जिन लोगों ने व्रिंकल्ड या गंदे कपड़े पहने हुए थे उन्हें लोगों ने ऐसे ट्रीट किया उनमें कई कमियां हैं, जबकि जिन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्हें सही तरीके से देखा गया। इस कंडीशन में आपने देखा कि कैसे लोग सबकॉन्सियस फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा बिहेव किया। ये तो सिर्फ एक है, इसके अलावा हमारे माइंड में दबे हुए कई धारणा होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। एक स्टडी के लिए अमेरिका में इम्प्लिसिट एसोसिएशन ने एक टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाए और उनसे उसके बारे में कमेंट करने के लिए कहा गया। इस टेस्ट का एक चौंकाने वाला रिजल्ट यह था कि 70% लोगों ने काले लोगों को फेलियर और गोरे लोगों को सक्सेस जैसे शब्दों से जोड़ा, और उस रेशियो में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद को नॉन रेसिस्ट यानी ब्लैक मानते हैं। इन छिपे हुए धारणा का यह अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ये धारणा वास्तव में हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। वे धारणा हमें जाने अनजाने में बूढ़े लोगों को लापरवाह या मंदबुद्धि या औरतों को पुरुषों की तुलना में कम काबिल के रूप में लेबल करने के लिए इंस्पायर करती हैं। मीडिया और कुलूचर इस तरह की धारणा को फैलाने में मदद करते हैं। यह घटना सोसाइटी में इतनी इफेक्टिवली चल रही है कि इससे बचने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। इसके लिए उन धारणा की पहचान करना पहला सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। हम उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताकर इन डिसीजंस या धारणा से बचने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें हम लेबल करते हैं, क्योंकि साथ रहने से उनके बारे में समझने और साथ मिलकर काम करने की फीलिंग्स आती है, जिससे लेबलिंग को ओवरराइड करने में मदद मिलती है। अंतिम सिख यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। ड्वाओ, समूह के साथ पहचान करने की आदत, समूह मेंबर्स के फेवर में और नॉन मेंबर्स के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। हम सभी के पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स जेंडर, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजियस बिलीफ जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं। हम अपनी पहचान को उस कंडीशन के आधार पर बदलते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, न्यूयॉर्क के रहने वालों को ज्यादा वेल्थ और रेस जैसे फैक्टर्स से एक अलग ग्रुप में बांटा गया था, जिससे लोग एक दूसरे से बंटे हुए थे, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो लोगों ने इन पहचानों को पिघलते देखा और मिलकर मजबूत बनने के लिए सभी ने खुद को न्यूयॉर्कर्स के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपने ग्रुप के लोगों साथ हमारे विचार बहुत मैच करते हैं, इसलिए हम अक्सर दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में उस ग्रुप के मेंबर्स की राय से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं और आसानी से अग्री हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर्स और हेयर ड्रेसर्स जैसे प्रोफेशनल्स के एक रिसर्च में पाया गया कि वे सभी अपने प्रोफेशन के लोगों को उनकी पसंद और डाइवर्सिटी के लिए दूसरे प्रोफेशंस के कंपैशन में ऊंचा दर्जा देते हैं। ग्रुप के लिए हमारा लगाव हमें दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स से एक्सलेंस या बेहतर महसूस करने के लिए भी इंस्पायर करता है। एक रिसर्च में वसिली कंडिंस्की और पॉल क्ली नाम के दो ऐसे आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया। एक को सबसे बेस्ट और दूसरे को एवरेज परफॉर्म करने के लिए कहा गया। नॉर्मली तो बेस्ट परफॉर्मर को सभी ऑडियंस द्वारा पसंद किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे सिंगर की ऑडियंस ने उनके एवरेज परफॉर्मेंस पर भी उनका ही साथ दिया, उन्हें ही पसंद किया। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक समूह का हिस्सा होने से हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है और हम उन लोगों के लिए धारणा दिखाते हैं जो ग्रुप के सदस्य नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रुप पूरी तरह से सही है या नहीं, हम हमेशा जाने अनजाने में दूसरों के कंपैरिजन में अपने ग्रुप का ही फेवर लेते हैं। 13, हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं, हम लाइफ में अपने चुने जाने वाले ऑप्शंस को बेस बनाते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंपनी के नाम का प्रोनाउंस उसके शेयर्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, लेकिन वे करते हैं। जिन कंपनीज के नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है उनके फेल होने की संभावना उन कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है जिनके नाम का प्रोनाउंस करना आसान होता है। हमारी कई परचेस इस तरह के छोटे रीजंस के बेस पर की जाती हैं।
ये ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में हम कई बार अनजान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एक्सपेरिमेंट में क्लब में बैकग्राउंड म्यूजिक ने कस्टमर्स को अलग अलग देश की शराब खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किया। जब स्टेज पर फ्रेंच गाना बजाया गया तो ज्यादातर लोगों ने फ्रेंच शराब खरीदी, और जब जर्मन गाना बजाया गया तो ज्यादा जर्मन शराब खरीदी गई। जब पूछा गया तो कस्टमर्स ने यह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सब कॉन्शियसली वो उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। यह सिर्फ हमारी परचेसिंग आदतों में ही नहीं है, यहां तक कि हम पॉलिटिकल पोजीशंस पर पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करना उनकी पॉलिसीज के बजाय इस बेस पर करते हैं कि उनके मेन लीडर कैसे दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल चुनाव के रिजल्ट्स को अपने फेवर में करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज प्रसिद्ध और लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले इंसान को अपनी पार्टी के लीडर के रूप में उतारती हैं।